इस एक फ्री की खाद से फ्रेंड्स आप अपने जेड प्लांट को सूखने से बचा सकते हैं, गर्मियों में इसकी ग्रोथ को डबल कर सकते हैं। और अगर आपने कटिंग लगाया है, अगर आप ये खाद अपने कटिंग में डालते हैं तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये खाद आपके पौधे में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि गर्मियों में आप कैसे अपने पौधे को फर्टिलाइज़ करें कि आप अपने पौधे से अच्छी ग्रोथ ले सकें। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अगर आपके भी जेड प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, उनमें ग्रोथ जो है वो ना के बराबर हो रही है, और अगर कटिंग नहीं लग रही है तो ऐसा क्या वजह है, किस वजह से आपके पौधे की कटिंग नहीं लग रही है, आज की इस वीडियो में आपके साथ 4 या 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ कि जो हमें जेड प्लांट लगाते हैं तो वो गलतियों को नहीं करना होता है। तो गलती नंबर 1 फ्रेंड्स, आपका जो जेड प्लांट होता है ये एक आउटडोर प्लांट होता है। पहली गलती ये होती है कि लोग इनको इनडोर रखते हैं। इनडोर रखने में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि प्लांट की ब्रांचेज लगी लगी सी हो जाती हैं, एकदम डल बेजान सी हो जाती हैं, उनकी पत्तियां बहुत दूर दूर आती हैं और प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। तो जेड जो है आपका एक आउटडोर प्लांट है, भले आप इसको 1 से 2 घंटे की ही सनलाइट दें लेकिन आपको इसको आउटडोर रखना है। पत्तियों का इस तरह से पीला हो के गिरना ये समटाइम्स 2 वजहों से होता है। एक तो देखिए इनकी पत्तियों में कितना पानी स्टोर होता है, तो ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इनमें दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि पानी, मिट्टी बिना चेक किए अपने इस पौधे में हम लोग बार बार पानी डालते चले जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि प्लांट में ऑलरेडी वाटर स्टोर होता है और एक्सेस वाटर होने के वजह से पहले तो ये अपनी पत्तियों को पीला करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके ये फिर जड़ों में इनके फंगस लग जाता है। तो कभी भी अपने इस पौधे में ना ओवर वाटरिंग करें ना अंडर वाटरिंग करें। तीसरी जो गलती हम लोग करते क्या है कि प्लांट तो लगा लेते हैं लेकिन उनकी कटिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग ये सब नहीं करते, तो जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक जाती है। ये पौधा ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप इनकी जितनी ज़्यादा पिंचिंग यानी इस तरह से छोटी छोटी इनकी ब्रांचेस को कट करते रहेंगे उतनी ज़्यादा ये पौधा अपनी नई नई ब्रांच निकालता रहेगा, प्लांट आपका बुशियर होता जाएगा और हेल्दी वे में पौधा आपका ग्रो करता रहेगा। चौथी गलती हम लोग, जो इम्पॉर्टेंट गलती होती है, इनकी मिट्टी नॉर्मल प्लांट की तरह बना लेते हैं। जेड सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट होता है। आप जब भी इनकी मिट्टी बना रहे हैं तो हमेशा अपनी मिट्टी में रेत, बालू यानी जो सैंड होती है उसको ज़रूर मिलाएं। 40% तक आप अपने गार्डन की सॉइल मिलाएंगे, 40% तक आप इसमें सैंड मिलाएं और 20% अपनी कंपोस्ट मिलाएं। मिट्टी आपकी अगर इस तरह से भुरभुरी मिट्टी बनी है तो ये पौधा कभी भी ख़राब नहीं होने पाएगा। अगर आपके पौधे में एक बार की पौधे ने अपनी पत्तियों को पूरा पीला करना स्टार्ट कर, देखिए 1-2 पत्तियों का पीला होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर प्लांट एक बारगी से पूरी पत्तियों को पीला कर रहा है तो आप ज़रूर चेक करिएगा कि उसमें जो उसका ड्रेनेज है वो पानी ड्रेन आउट अच्छे से नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी जो 5वीं मिस्टेक होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है कि इसमें मिली बग यानी इंसेक्ट, वाइट कलर वाला चिपचिपा कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, वो आप ज़रूर चेक करिए। खाद आपका ये बहुत रफ़ टफ सा प्लांट होता है, इसको बहुत ज़्यादा किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर में मिलने वाली खाद, ये देखिए ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है जो कि सिर्फ 1/2 चम्मच तक आपको लेना है। अगर ये खाद आप ठंडियों में दे रहे हैं यानी आप अक्टूबर के बाद दे रहे हैं तो आप 1 चम्मच तक ले सकते हैं, और अगर आप मतलब जो 3 महीने हैं आपका मई जून ये 2 महीने को छोड़ के आप ये खाद 1 चम्मच तक ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं। देखिए इसको 1/2 चम्मच खाद को मैंने भिगो के इस तरह से 24 घंटे के लिए रख दिया था, 24 से 25 घंटे के लिए।
जो चाय पत्ती मैंने डाला था, देखिए उसने अपना धीरे धीरे कलर किस तरह से चेंज कर दिया है, पूरा पानी उसका देखिए चेंज हो गया है। तो ये खाद आप भी इस तरह से भिगो के, चाय पत्ती एक चम्मच तक भी आप भिगो सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। हम लोग तो वीडियो बनाते हैं इसलिए प्रॉपर बार बार खाद डालते हैं, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ा कम लिया है। आप एक चम्मच तक भिगो दीजिए, 24 घंटे के बाद जितनी खाद का पानी है उतना ही सादा पानी मिला लीजिए। अब ये खाद जो है ये आपके जेड प्लांट की सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, मल्टीपल ब्रांच आएगा, पत्तियों में चमक होगी, पत्तियों का साइज बड़ा होगा और प्लांट बहुत हेल्दी वे में आपका ग्रो करेगा। ये खाद आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में ज़रूर डालें, फिर आप देखें। अगर आपकी पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं तो समटाइम्स प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको नहीं कर पाता तो भी पीली करता है, या फिर पोटेशियम की कमी से आपकी पत्तियां ज़्यादा पीली हो रही हैं, तो आप इसमें एक काद केले के छिलके को अच्छे से भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसका पानी आप डालेंगे तो पत्तियों का पीला होना बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये खाद जो थी मैंने अपने पूरे पॉट में डाल दी है। मेरा 10 इंच का गमला है और ये प्लांट बहुत हार्डी होता है, आप इसको किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे मैं एक ये प्लास्टिक बॉटल में भी लगा के पॉट रखी हुई हूँ प्लांट, ये देखिए, तो उसी पॉट में मैं रखती हूँ तो वो वाला मेरा प्लांट काफ़ी बुशी दिखता है, बहुत अच्छे से उसकी ब्रांचेस होती हैं और साथ के साथ ये वाला भी मेरा जो पौधा है ये भी अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो आप भी इस तरह से अगर अपने पौधे को बुशी दिखाना चाहते हैं तो एक ही गमले में आप देखिए इस तरह से मैं ये दो प्लांट एक साथ करके रखी हूँ, कितना अच्छा लुक आता है। इधर भी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वेस्ट में किस तरह से अपने इस पौधे को ढेरों ढेर एक प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट बनाए। ये देखिए जो फूड कंटेनर्स होते हैं इसमें मैंने इनकी कटिंग लगा के रखा है और इसमें आप देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। बस जो मैंने आपको वाइट कलर का चिपचिपा कीड़ा बताया था वो इसमें जगह जगह आपको अक्सर लगा दिख जाएगा, जहाँ दिखे एक दो आप उसको हाथ से हटा दीजिए तो वो फैलने नहीं पाता है, वरना ये धीरे धीरे करके आपकी पूरी पत्तियों का रस चूस लेता है और पौधा एकदम बेजान डल सा हो जाता है। इसके अलावा भी देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह की वेस्ट को भी फेंकती नहीं हूँ, कबाड़ का भी यूज़ कर लेती हूँ अपने गार्डन में और अपने गार्डन को डेकोरेट भी करती रहती हूँ। तो एक ये हो गया। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, ये शैम्पू की बॉटल है, इसमें भी हालाँकि ये करीब मेरे साल डेढ़ साल के प्लांटर हैं और जिसमें ये पौधा लगा हुआ अच्छे से ग्रो कर रहा है और देखिए ख़राब भी नहीं हुआ, प्लांटर भी क्यूट लग रहा है। तो ये देखिए उसमें मैंने कुछ लगाया। इधर देखिए ये मेरा झूमर प्लांटर था, इसमें देखिए मैंने बस ये आप 2 से 3 इंच की भी कटिंग लेंगे तो और आप लगा देंगे तो ये आसानी से लग जाता है और आप देखिए कितना हेल्दी हो गया है। ये 10 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक बॉटल में लगा है, आप देखिए मेरे सभी पौधे कितने हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं और मैंने इनफैक्ट प्लास्टिक में ज़्यादा लगाया हुआ है, गमले में तो सिर्फ मेरा एक प्लांट है। इधर भी देखिए जो बॉटल का कैप होता है उसको कट करके उसमें लगा दिया है, आप देखिए इसमें भी कितने अच्छे से, मतलब इसको ना कोई बड़ा गमला चाहिए कुछ नहीं, आप इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगा देंगे तो ये इजीली ग्रो करता है, बहुत हार्डी, और बहुत से लोग इसको लकी प्लांट भी बोलते हैं, पैसा खींचने वाला प्लांट बोलते हैं। यहाँ भी देखिए कोल्ड ड्रिंक बॉटल में लगा हुआ कितना हेल्दी वे में ग्रो हो रहा है। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। यहाँ आपको ज़्यादातर किचन से निकलने वाली खाद का ही इस्तेमाल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।